बीच में टाइप किया, ओके। स्टार्ट हो गया, ओके फाइन। चलो 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 जिंटी शांति। इस तरह सुनो, कल एक बार फटाफट, कल जो हमने सीखा था उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं। एक लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है, राइट? और सरफेस में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होता है बिकॉज दे फॉर्म लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और बल्क में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे फॉर्म मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सो दे आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, राइट? तो लिक्विड का सरफेस जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। दैट इज़ द रीज़न नेचर में हर सिस्टम, हर लिक्विड सिस्टम अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहता है, बिकॉज सरफेस एरिया जितना कम होगा सरफेस मॉलिक्यूल्स उतना कम होगा, सरफेस एनर्जी भी उतना ही कम होगा, राइट? तो आज हम क्या करेंगे, कल जो हमने ये सीखा था, समझा था कि एक लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है, और इफ़ यू इमेजिन ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इट इज़ ऑब्वियस कि उस रबर शीट जैसा बिहेवियर जो अगर होता है, तो अगर तुमने एक रबर को पकड़ के खींच दिया ऐसा रबर शीट को, तो उसके सरफेस के अलॉन्ग टेंशन डेवलप होगा ही नहीं होगा, देयर विल बी अ टेंशन डेवलप्ड अलॉन्ग द सरफेस। तो ये जो पानी का टॉप सरफेस है जो कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है, उसके सरफेस के अलॉन्ग भी क्या होगा, फोर्सेस होगा। तो अभी हम उसको क्वांटिफाई करेंगे, राइट? इज दैट क्लियर? उसका वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखना। दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ ए लिक्विड, राइट? और मैंने क्या किया, उस टॉप सरफेस को दो हाफ्स में अलग अलग करके ड्रॉ किया। इसका मतलब नहीं है कि मैंने सरफेस को अलग कर दिया, सरफेस को एक्चुअली अलग नहीं किया, मैंने बस उसी एक ही सरफेस को दो अलग पोर्शंस में तोड़ के दिखाया, ताकि मैं तुमको ये दिखा पाऊँ कि दो हाफ्स के बीच का जो रीजन है उनके बीच क्या चल रहा है। इज दैट क्लियर? उनके बीच क्या चल रहा है, राइट? ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं पूछूं इस सरफेस को कि सरफेस ये बताओ कि ये वाला सरफेस तुम पे कैसा फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या जवाब देगा, सोच के बताना। टेंशन नाम नहीं पूछ रहा, डायरेक्शन पूछ रहा हूँ किधर। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये इमेजिन करना कि पूरा मेम्ब्रेन जो है वो क्या स्ट्रेच्ड खींचा हुआ है। इज दैट क्लियर? अभी कॉमन सेंस अप्लाई करके बोलो कि अगर मैं तुमको ये पूछूँ कि ये जो हाफ है ये इस हाफ के इस जगह पर दिख रहा है, ये वाला जगह जहाँ पर जॉइंट है ये लोग, इस जगह पर कैसा फोर्स लगा रहा है? दैट इज करेक्ट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन कैसा, पुलिंग फोर्स या पुशिंग फोर्स? पुलिंग फोर्स, एग्जैक्टली वही सुनना चाहता हूँ मैं। तो क्या कर रहा है, दिस इज बेसिकली पुलिंग फोर्स, ऐसा। डू एग्री विद दिस, है ना? ये फोर्सेस किस पे लगा, ये सेकेंड हाफ पे लगा बाई द फर्स्ट हाफ। इफ दिस इज द फर्स्ट हाफ, इफ दिस इज द सेकेंड हाफ, तो सेकेंड हाफ पे फर्स्ट हाफ ने ऐसा फोर्स लगाया बिकॉज स्ट्रेचिंग फोर्स है। स्ट्रेच करने से अगर दो कोई पार्टिकल स्ट्रेच हो चुका है तो पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा अपनी तरफ। दिस इज सिंपल एज दैट, राइट? और तुमको ये भी समझना है कि देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर भी वैलिड होगा। अगर पहले वाले सरफेस ने सेकेंड वाले सरफेस पे इस तरीके से फोर्स लगाया है तो एग्जैक्टली इतना अमाउंट ऑफ फोर्स पहले वाले सरफेस पे भी लगेगा, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। मतलब बोला जाए तो ये सरफेस भी इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, खींच रहा होगा। मैं थोड़ा ऐसे करके बनाता हूँ, इज दैट क्लियर? बात समझ में, देन अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट? एंड लेट अस से कि इस पूरे ये जो मैंने यू नो हाफ में बांटा है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं एल बोलता हूँ, ठीक है? और इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो वाइट कलर के एरोज दिख रहे हैं उसका जो टोटल समेशन होगा, जो रिजल्टेंट होगा, उसको मैंने क्या बोला, एफ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, and it is defined as F divided by L. F is a force acting over a length L. Is that clear? That is force per unit length. ये F क्या है, जितना total में surface tension force लग रहा है। देखो total force को हम surface tension नहीं बुलाते, total force divided by length, मतलब वो F force कितने length पे exert हो रहा है। जब तुम उस फोर्स को उस लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है ना। अरे फोर चॉकलेट्स डिवाइडेड इन टू पर्सन, क्या मिलेगा, टू चॉकलेट्स पर पर्सन मिलता है ना, पर पर्सन मिलता है ना। तो एफ बाई एल करोगे तो क्या मिलेगा,
फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है, उसी को हम सरफेस टेंशन बुलाते हैं. इज दैट क्लियर? और सरफेस टेंशन का जो सिंबल है उसको हम कभी कभी टी से रिप्रेजेंट करते. बात समझ में आया? कोई डाउट इसमें? पक्का श्योर? जैसे कि देखो, अगर तुम्हारे पास एक ड्रॉप है, क्या है ड्रॉप, जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर. बात को समझो, कह रहे हमें ड्रॉप और बबल में डिफरेंस क्या है, ड्रॉप और बबल में डिफरेंस क्या है? सोप बबल. इफ आई टॉक अबाउट सोप बबल, सॉलिड नहीं लिक्विड है. हाँ, यस आई टेक दैट, आई टेक दैट. ड्रॉप ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि अंदर पानी है और बाहर हवा है. तो ध्यान देना, अंदर पानी है, बाहर क्या है, हवा है. तो इसके पास कितना सरफेस है? एक ही सरफेस. अरे पानी से हवा, एक ही सरफेस को क्रॉस करूंगा ना मैं? बात समझ में आता नहीं आता? तो इसके पास कितना सरफेस है? एक ही सरफेस. तो एक ही सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करेगा. बट इफ आई टॉक अबाउट ए बबल, सोप बबल, सोप बबल कैसा होता है? अंदर हवा होता है, एक लेयर होता है, उसमें क्या होता है, सोप सॉल्यूशन. बाहर फिर से क्या होता है, हवा होता है. तो अभी अगर मैंने तुमको पूछा, इन दिस केस इस सोप बबल के पास कितने सारे सरफेसेस है, सरफेस क्या करता है भाई ये बताओ, सरफेस कैसे डिफाइन होता है? सरफेस ऐसा एक बाउंड्री होता है जो दो मीडियम को अलग करता है ना, जो दो मीडियम को क्या करता है, अलग करता है. तो यहाँ पर अगर मैं एयर टू सोप जाऊँगा तो मैं एक सरफेस को एनकाउंटर करूँगा, फिर सोप टू एयर जाऊँगा तो और एक सरफेस को एनकाउंटर करूँगा. इज दैट क्लियर? समझ में आया? सो इन दिस केस एक सोप बबल के पास कितने सारे सरफेसेस है? दो सरफेसेस हैं. इज दैट क्लियर? और एक ड्रॉप के पास कितने सारे सरफेसेस है? एक सरफेस. इज दैट क्लियर? ओके फाइन. तो सरफेस है मतलब सरफेस टेंशन होगा, और इस सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ. इज दैट क्लियर? अब ये जो सरफेस टेंशन कितना होगा वो उस लिक्विड का, उस फ्लूइड का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. नाउ सर, व्हाट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? फॉर एग्जांपल, कॉपर का डेंसिटी हम सबको पता है, चाहे कॉपर का ब्लॉक तुमने इतना छोटा सा लिया इतना बड़ा सा लिया, डेंसिटी क्या होगा कॉपर का? सेम रहेगा. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अभी एल्यूमिनियम का डेंसिटी उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. तुमने एल्यूमिनियम का कितना बड़ा ब्लॉक लिया उस पर मैटर नहीं करता, वो किस चीज़ से बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है. तो वो कोई प्रॉपर्टी अगर सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. मास समझ में आया? जैसे डेंसिटी, डेंसिटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बट मास इज एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी. बिकॉज डेंसिटी सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन मास बताना है तो सब्सटेंस का शेप एंड साइज भी चाहिए होगा. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा तब ना मास. कॉपर का ब्लॉक का साइज जितना बड़ा होगा उसका मास भी उतना ही ज़्यादा होगा, कॉपर ब्लॉक का साइज जितना छोटा होगा उसका मास भी छोटा होगा. तो मास जो है उसके एक्सटीरियर पे डिपेंड करता है, उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है. लेकिन उसी ब्लॉक का अगर मैं डेंसिटी पूछूं तो डेंसिटी शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता, मैं बोलूँगा वो उसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. फील आया? तो टेंशन भी ऐसा ही है. कैरोसिन वाले लिक्विड का कुछ एक टेंशन होगा, फिक्स्ड वैल्यू, कितना क्वांटिटी ऑफ कैरोसिन लिया उस पर डिपेंड नहीं करता. पानी का खुद का कुछ सरफेस टेंशन होगा, मर्क्यूरी का खुद का या कुछ सरफेस टेंशन होगा. लेकिन अगर मर्क्यूरी का है, चाहे तुम एक ग्लास मर्क्यूरी लो या एक बाल्टी मर्क्यूरी लो, दोनों केसेस में मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन क्या होगा? सेम. मतलब एक चार्ट मिलेगा तुमको, चार्ट नमन क्या मिलेगा? एक चार्ट मिलेगा, मर्क्यूरी का इतना होता है, पानी का इतना होता है, कैरोसिन का इतना होता है. इज दैट क्लियर? मैं चाहूँगा कि तुम सरफेस टेंशन को प्रॉपरली विजुलाइज कर पाओ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आगे जाके चाहिए होगा. तो डेफिनेटली इसके सरफेस पे सरफेस टेंशन है. बात समझ में आता है? एग्जैक्टली. लेट मी कट दिस ड्रॉप इनटू टू हाफ्स. इट्स नेवर पॉसिबल टू कट, आई एम जस्ट आस्किंग यू पीपल टू एनालाइज वन हाफ ऑफ द ड्रॉप. एग्जैक्टली. सिद्धार्थ, मैं वीडियो बना रहा बोल के तेरे को बुला नहीं रहा, मैं तो अब तक वहाँ पहुँच जाता. मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से तू बकवास कर रहा है उसके साथ बैठ के. एग्जैक्टली. समझ में मैंने क्या कहा? ओके फाइन. तो हम इस हाफ का एनालाइज करेंगे. क्यों कर रहे हैं सर? ताकि हम सरफेस टेंशन को विजुलाइज कर पाए, ताकि हम सरफेस टेंशन के फोर्स को ड्रॉ कर पाए. करेक्ट? यू नो द मोटिव नाउ. तो अगर मैं इस हाफ को ड्रॉ करूं, ध्यान देना, ऐसा दिखेगा ये हाफ. दूसरे हाफ को भी बना लेते हैं, ऐसा होगा. यू एग्री विद दिस? बोथ द हाफ्स, दोनों को अलग अलग करके बनाया. करेक्ट? एक बात को समझो, इसके अंदर पानी है
बाहर हवा है, बाहर हवा जो है इस पर्टिकुलर ड्रॉप पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा बाहर की तरफ, बाद में चाहिए इसलिए अभी से बता के रख रहा हूँ। अगर हवा है तो क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज दैट क्लियर। अंदर क्या है, इसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड भी क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है लिक्विड का खुद का, तो एक इंटरनल प्रेशर भी लग रहा होगा, इस प्रेशर के कारण कुछ फोर्स आएगा, इज दैट क्लियर। और क्या लगेगा, कितना सरफेस, एक सरफेस है दिख रहा है ना, इट्स गॉट अ सरफेस, हाई है ना, ऐसा है सरफेस, दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अगर ड्रॉप है, मैंने दोनों को ऐसे करके अलग कर दिया, ये जो अगर ड्रॉप है इसको मैंने क्या किया, ऐसे करके अलग किया है, बट ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता ही नहीं करता, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। तो इसको अगर मैंने ऐसे अलग किया तो सरफेस टेंशन का फोर्स कहाँ लगेगा, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कहाँ लगेगा, कौन से लेंथ के अलॉन्ग लगेगा, जस्ट ट्राई टू विजुलाइज। फिर से और एक बार, ये ड्रॉप है दिख रहा है ना, ये ड्रॉप, इसको मैंने ऐसे खोल दिया राइट, तो सरफेस टेंशन का फोर्स कहाँ दिखाई देगा तुमको, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन के पेरीफेरी में लगेगा, कहाँ लगेगा, क्रॉस सेक्शन के पेरीफेरी में। भूलो मत, सरफेस सिर्फ यही है भाई, क्रॉस सेक्शन बोलो तो ये तो इंटरनल पॉइंट हो गया, अंदर हो गया, ये तो सरफेस नहीं हुआ। और ये वाले पेरीफेरी और ये वाला जो पेरीफेरी है, ये पेरीफेरी एक दूसरे को क्या कर रहा है भाई, फिर अट्रैक्टिंग ही चाहते, ये तो हमको पता ही है। तो ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उस फोर्स को हम कैसे शो करेंगे, ऐसा बोलो भाई, इज देयर एनी डाउट इन दिस, ये हो गया ऐसा, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, इज दैट क्लियर। सेकेंडली ये वाला हाफ इस वाले हाफ को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे फील नहीं हो रहा, देयर अट्रैक्टिंग ईच अदर, छोड़ दूंगा तो क्या होगा, कट करके फिर से लग जाएगा, ऐसा फील आना चाहिए तुमको राइट। तो अभी अगर तुमको पता है कि भाई सरफेस टेंशन का वैल्यू टी है, भूलो मत सरफेस टेंशन फोर्स नहीं है, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अभी अगर मुझे बोलोगे कि सर इस पूरे पेरीफेरी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो मुझे सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितने लेंथ के अलॉन्ग सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, इज दैट क्लियर। तो इसका रेडियस, ये मैंने इक्वल हाफ में डिवाइड किया था, इसका रेडियस अगर मैं आर बोलता हूँ तो कितने लेंथ पे टेंशन लग रहा है, 2πr पे, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो अभी अगर पूछा जाता कि सर व्हाट इज द टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, मैं बोलूंगा टी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, लेकिन हमारे पास कितना लेंथ अवेलेबल है, 2πr, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, टी इनटू 2πr, ये होगा टोटल फोर्स अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड। बात समझ में आया, कोई डाउट, श्योर, पक्का, ओके, पॉज करना, पॉज, हाँ।